कांग्रेस के राहुल विरोधी गट के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी का एक वक्तव्य आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी को और एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को खड़गे जी से सीधे संपर्क करना चाहिए और पत्र लिखना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता है कि भी ये बार बार वही वक्तव्य क्यों कर रहे हैं, जबकि वे भी जानते हैं और पूरी जनता तक यह बात जा चुकी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रदेश द्वारा सीधे पत्र खड़गे जी को तो लिखा ही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी स्वयं खड़गे जी को पत्र लिखकर 12-12 का फार्मूला भी सुझाया है और उनको इंडिया आघाड़ी में और MVA में शामिल होने को लेकर भी उसके अंदर उल्लेखित किया है। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान के लगातार संदेह स्थापित करने वाले जो वक्तव्य आ रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज चौहान इस गठबंधन की दिशा में नहीं तो इस गठबंधन को न होने देने की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं। मैं ये बात बता दूं कि कांग्रेस के अंदर जिन 25-26 लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को नकारने वाला पत्र लिखा था, उनमें पृथ्वीराज चौहान भी हैं और मध्य प्रदेश के कमलनाथ भी हैं। कमलनाथ ने इस चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस सत्ता में आ भी सकती थी अगर सभी गठबंधन किया होता, सभी राजनीतिक जो भी उनके इंडिया आघाड़ी के सेक्युलर विचारधारा के घटक पक्ष है उनसे भी गठबंधन न करते हुए अकेले लड़कर जिस तरह के वक्तव्य देकर कमलनाथ ने नुकसान पहुंचाया है, क्या ऐसी ही कोई भूमिका, ऐसा ही कोई रोल पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में तो अदा नहीं कर रहे? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर गलत सलत वक्तव्य किए हैं। बी टीम कहने का काम भी पिछले चुनाव में पृथ्वीराज चौहान ने जोरों शोरों से किया था। तो आज जब वंचित बहुजन आघाड़ी लगातार यह प्रयास कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन का और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा बनना चाहती है, हम चाहते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की तानाशाही वाली भाजपा की सत्ता को रोकने के लिए सभी एक जगह आकर अगर चुनाव लड़े तो भाजपा को रोकना संभव है, यह जानते हुए भी गठबंधन की दिशा में वक्तव्य न करते हुए हमेशा गठबंधन न होने के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान क्यों कर रहे हैं? कहीं यह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का और भाजपा को मदद करने का कोई दायित्व तो पृथ्वीराज चौहान पर बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने नहीं सौंपा है? सादी भाषा में कहें तो यह गठबंधन न होने देने की कोई सुपारी तो पृथ्वीराज चौहान ने ली नहीं है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है। यह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अगर गठबंधन में नहीं आई तो जैसे 3 राज्यों के अंदर उसकी स्थिति हुई, उससे भी बुरी स्थिति लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की होगी। कांग्रेस अपना विपक्ष नेता पद भी 2014-19 में नहीं ले पाई। 2014-19 में 2 सीटें जो 14 में चुनाकर लाए वो 19 में चुनाकर नहीं ले पाए और जो 1 सीट चुनकर आई थी उनका भी निधन होने के कारण वो भी नहीं है। यानी आज कांग्रेस महाराष्ट्र में शून्य स्थिति में रहने के बावजूद अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पद पर रहे नेता इस प्रकार के वक्तव्य अगर कर रहे हैं तो जाहिर है इन वक्तव्यों से भाजपा की मदद होगी, जाहिर है इन वक्तव्यों से इंडिया गठबंधन को बनने में नहीं तो टूटने में मदद होगी। तो पृथ्वीराज चौहान स्पष्ट करें कि वो भाजपा की अप्रत्यक्ष मदद क्यों कर रहे हैं और वो कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की सुपारी अगर लेके काम कर रहे हैं तो उन्होंने खुलकर इस बारे में आना चाहिए, या उनको भाजपा की मदद करनी है तो खुलकर भाजपा में जाकर उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र और देश की जनता को एक बड़े गठबंधन की तरफ बढ़ने से रोड़े डालने की बजाय, रुकावटें डालने की बजाय पृथ्वीराज चौहान चुप रहे तो बेहतर होगा।